मुझे ये बताएं कि लाइफ में फर्स्ट टूर आपने कौन सा किया था? जिन्नात का काफ़ी जिक्र होता था। अच्छा। हमारी एक बाइक बीच में ख़राब हो गई, अकबर भाई लीड कर रहे थे, आगे से काफ़ी बड़ा शाम गुजरा। अच्छा। क्योंकि ये आगे थे तो फॉरनर्स भी आने शुरू हो गए, हम लोग भी जाने शुरू हो गए, बहुत मज़ा आता है। मैं उन कुछ चंद पाकिस्तानियों में से हूँ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाइक के ऊपर पाकिस्तान से बाहर गए, और वहाँ पे खान साहब का बड़ा पूछते थे, कहते हैं यहाँ पे खान साहब को पसंद करते हैं। उन लोगों ने, हम तीन लोग थे, ईरान, अज़रबैजान, तुर्की तक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर गए थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। नाज़रीन आज डिफेंस राया में हमें एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे नामवर टूरिस्ट मिले हैं, दो भाई हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनके जितने भी टूर हैं कैसे रहे हैं और इनको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जनाब? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? फैसल खालिद। सर कैसे ये आपको ख्याल आया कि मैं टूरिस्ट बनूँ और मैं हर कंट्री का टूर करूँ? सर देखें, किसी भी इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पूरी दुनिया घूमे। बिल्कुल। जिस तरह से आपको पता है, कोई किसी भी आप पूछेंगे आपकी लॉटरी निकलेगी तो आप क्या करेंगे, वो कहेगा जी मैं पूरी दुनिया वर्ल्ड टूर करूंगा। तो घूमने फिरने का हर किसी को शौक होता है, बस थोड़ा टाइम मैनेज करके हम लोग निकल जाते हैं। अच्छा। और थोड़ा अल्लाह मदद कर देता है तो माशाल्लाह से हम लोग थोड़ा घूम फिर लेते हैं। सर मुझे ये बताएं कि लाइफ में फर्स्ट टूर आपने कौन सा किया था? बस जी वही हमारा मरी। अच्छा। कौमी जगह हम लोगों की सारी मरी जाते हैं, तो फर्स्ट लाइफ का वो किया था बाइक के ऊपर। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं और तकरीबन हर सूबे में गए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन पूरा पाकिस्तान की मेन मेन जो जगहें देख चुके हुए हैं। और फर्स्ट जो आपका था इंटरनेशनल टूर वो आपने कौन सा किया था? इसके अंदर ईरान, उसके बाद अज़रबैजान और तुर्की तक का टूर किया हुआ है। वैसे मैं यूके भी रहा हूँ 5 साल। अच्छा। तो वहाँ पर भी बाइक वगैरह चलाता रहा हूँ, तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का थोड़ा सा वहाँ से भी आइडिया तो था ही। तो जो पाकिस्तान में ये था कि मैं उन कुछ चंद पाकिस्तानियों में से हूँ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाइक के ऊपर पाकिस्तान से बाहर गए, और हम लोगों ने, हम तीन लोग थे, ईरान, अज़रबैजान, तुर्की तक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर गए थे, और एक भाई के पास यूके का था तो वो अच्छा, लंदन तक गए थे। अच्छा, वो लंदन तक गए थे। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि आपको सबसे अच्छा टूर आपका कौन सा था, मज़ेदार भी हो और उसमें आपने परेशानियाँ भी बड़ी देखी हों? देखें, जो हम पाकिस्तान में करते हैं हमारा एडवेंचर टूर ही होते हैं। अच्छा। क्योंकि ये एडवेंचर बाइक ही है और हम लोग उसके अंदर ऑफ रोडिंग भी इंक्लूड होती है, और तकरीबन हम लोग ज़्यादातर कोशिश होती है कैंपिंग की जाए, जो वर्जिन ब्यूटी है जहाँ तक कम लोग गए हुए हैं उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, नई जगह को एक्सप्लोर किया जाए, पहाड़ों पर जाके कैंपिंग वगैरह करते हैं। और ये बाइक रखने का या लेने का मकसद ये है कि जहाँ तक कार नहीं जा सकती वहाँ पे आके बाइक जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्जन ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकें। तो और बताएं मुझे अपना कोई मज़ेदार सा मुझे किस्सा बताएं। इसके अंदर तुर्की में भी हम लोग के साथ इसी तरह हुआ कि तुर्की में भी जहाँ भी जाते थे सब लोगों का पाकिस्तानी भाई, और वहाँ पर खान साहब का बड़ा पूछते थे। अच्छा। हम उनके उर्दगान को जिस तरह पसंद करते हैं यहाँ पर खान साहब को पसंद करते हैं। तो इसी तरह प्यार मोहब्बत आपको देखें, हम लोग पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं सब लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा पाकिस्तान भी बड़ा खूबसूरत है। इसी तरह जब फॉरनर्स यहाँ पे हमारे टूरिस्ट भाई आते हैं तो हम उन्हें भी रिगार्ड देते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, जहाँ भी हमें उन्हें कोई मसला मसाइल आता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनकी मदद की जाए और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में फैलाई जाए। और मुझे ये बताएं कि कभी आप टूर पर गए हों और रास्ते में आपकी बाइक ख़राब हो गई हो तो वो कैसे सारा चीज़ें आप मैनेज करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा मसला तो कभी नहीं आया मेरी बाइक के साथ, तो कभी नहीं आया, लेकिन कभी कभी दोस्तों की आ जाती हैं और वही उस टूर का एडवेंचर होता है। हाँ, कि उसके अंदर हम इंजीनियर बन जाते हैं और अल्लाह हमारी मदद करता है, वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कई दफ़ा भाइयों की बाइक के शॉक टूट गए तो हम वेल्डर बन के खुद वेल्डिंग की। अच्छा। पंक्चर लगाना भी इसी तरह खुद ही सीखा, इंजन में मसले मसाइल आ गए तो वो भी, या चेन गिरा दी, चेन टूट जाती है तो कई भाइयों की, तो इसी तरह ये वाले मसले मसाइल जब ग्रुप ट्रैवलिंग करते हैं तो आते रहते हैं। क्योंकि जब आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे होते हैं आपके साथ एक बड़ा ग्रुप होता है, उसमें लोग थके भी होते हैं, डर भी होता है कि ये पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी के दिल में एक डर लाजमी होता है, वो शो ऑफ नहीं करता, लेकिन उस डर को ओवरकम करने के लिए हम हंसी मजाक भी करते हैं। और ज़्यादातर जब ग्रुप में होते हैं तो भूतों की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, कुछ भाई सीरियस ले जाते हैं, यहाँ कहते हैं यहाँ पे शेर वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि हम जंगल में बैठे होते हैं कैंपिंग करते होंगे। हाँ जी, कैंपिंग करते हो तो इस तरह के शुगर लगते रहते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने कितने टोटल टूर कर दिए हुए हैं? वो तो जी अनगिनत हैं, लेकिन जो सबसे प्यारी और करीबी जगह लगी है वो ये पंचपीर रॉक्स है।
कि उधर आपको पहाड़ भी मिल जाते हैं, आबशार भी मिल जाती है, झील भी मिल जाती है। ये इस्लामाबाद के करीब आती है, वहाँ से एक तरफ से आपको मरी नजर आता है, एक तरफ इस्लामाबाद नजर आता है, और बहुत खूबसूरत जगह है। तो मेरी फेवरेट जगह वही है जी, पंचपी रॉक। चलें जी, अब दूसरे भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर इस्माइल है। अकबर साहब, अकबर साहब कैसी लाइफ गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश। आप भी टूर करते हैं? जी जी। मेरा कितने टूर किए आज तक आपने? टूर तो हमको तकरीबन अब 15-20 साल हो गए हैं। अच्छा, बाइक पे टूर करते हुए। तो मुझे ये बताएं कि कैसे टूर चल रहे हैं आपके? बहुत अच्छे माशाल्लाह से, क्योंकि आप ज़रा हालात क्योंकि पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं, तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे। पहले जब जंग चल रही थी उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब फॉरेनर्स भी आने शुरू हो गए हैं, हम लोग भी जाने शुरू हो गए हैं, बहुत मज़ा आता है। कोई अपना फ़नी टूर बताएं मुझे जिसमें आपका खूब हासा मजाक हुआ हो। फ़नी टूर यही है कि एक दफ़ा हम गिलगित बल्तिस्तान शमशाल वाली एरिया में जा रहे थे, तो वहाँ पे अभी भाई ने भी बताया कि जन्नात का काफ़ी वो जिक्र होता था। अच्छा। हमारी एक बाइक बीच में ख़राब हो गई और वो वहाँ पे खड़ी करनी पड़ी, तो वापसी पे हम यही सोचते आ रहे थे कि वहाँ पे खड़ी होगी कि नहीं होगी। खड़ी तो थी लेकिन कॉन्शियस थे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हुए वहाँ पे। और इस तरह भी एक जो मज़ेदार हमारा टूर हुआ था उसमें ये था कि हम वहाँ पे चारों तरफ बर्फबारी हुई हुई और अच्छा ठंडा मौसम था। लास्ट टूर आप कौन सा करके आए हैं? लास्ट टूर हमारा ये शमशाल का मेरा हुआ था। कैसा रहा? काफ़ी बेहतर है, वो ज़रा डिफरेंट है, कोई 80-85 किलोमीटर सारी ऑफ रोडिंग है। अच्छा। तो वहाँ पे सुबह के वक्त एक जीप पासू से चलती है और एक शमशाल से चलती है। अच्छा। दो आपस में क्रॉस होती है, उसके बाद और कोई वहाँ पे आना जाना नहीं है उस रास्ते में। वैसे मुझे एक चीज़ बताएं आप दोनों भाई के, इसमें ऐसा होता है कि आप लोगों के पास टूल किट सारी मुकम्मल होती है, ए टू जी, मतलब इंजन के टूल्स भी होते हैं इसके अंदर? हम लोग सामान डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादातर सामान तो हमारे सीनियर बाइकर्स के पास ही होता है, बाकी जो ज़रूरी सामान होता है वो हम लोगों के साथ भी चल रहा होता है, तो उस तरह से है। लास्ट टाइम हम लोग कुमराट के टूर पे गए हुए थे और उधर जिस जगह पे हमने कैंपिंग की हुई थी, हम आबशार की तरफ जा रहे थे, तो अकबर भाई लीड कर रहे थे, आगे से काफ़ी बड़ा सांप गुजरा। अच्छा। क्योंकि ये आगे थे तो इनको नज़र नहीं है, मुझे नज़र में अकबर भाई सांप, नहीं नहीं नीचे से, अकबर भाई ने ऊपर से गुजारा, तो आधा सांप जो था वो दरमियान से उसकी कमर टूट गई, वैसे खड़ा हो गया। अब वो स्टीप जगह थी, कोई भी रोक नहीं सकता था, हम सारे उसके ऊपर से गुजर के गए और वो सांप बेचारा एंड में वो मर भी रहा था। फिर वो एक पठान भाई ने उसका सर काट के उसको मारा। अच्छा। तो लेकिन हम उसमें जो मज़ेदार बात ये थी, रात को हमने कैंपिंग उस जगह पे की हुई थी, फिर तो आपको डर लगा। वो हमने सोचा ये अगर हम देख के कैंपिंग करते तो कभी कैंपिंग नहीं होती थी। तो इस तरह के वाकया चलते रहते हैं, सांप वगैरह और ये जो भेड़िए वगैरह या गीदड़ वगैरह ज़्यादातर मिलते हैं, या जो आप कह रहे पिक्स वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें तो आम हैं। तो ये वाले तो एक वो हमारे टूर का हिस्सा होती हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। लें जी नाज़रीन, ये हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट थे, बाइक टूरिस्ट थे, इन्होंने बताया कि बड़े अच्छे टूर्स इन्होंने किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये करते रहेंगे, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। हमने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त दें, कैमरा मैन नुमान गोरी के साथ, अल्लाह हाफिज़।